नोटबंदी के बाद ठगों ने भी लोगों को ठगने के नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। गाजियाबाद के विजयनगर में पुलिस ने 3 ठगों को गिरफ्तार कर उनसे 30,000 रुपए, एक लग्जरी कार और कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। तीनों ठग सड़क पर खड़े होकर अपने शिकार को तलाशा करते थे और जैसे ही इन्हें पता चलता था कि कोई पैसे लेकर जा रहा है तो उसे ये कहकर झांसे में ले लेते थे कि आगे इनकम टैक्स की टीम खड़ी है, और पैसे अपने कब्जे में लेकर कुछ दूरी पर उसे वापस कर दिया करते थे। पर उसमें केवल ऊपर और नीचे के नोट असली होते थे, बाकी सब नकली। पुलिस ने इनके पास से 30,000 रुपये बरामद किए हैं, जो नकली नोट मिलाकर करीब 30,00,000 रुपये होते हैं। ये कुछ लोग भोली भाली जनता को ठगने का काम कर रहे थे, जिसके तहत वो उनको पहले डराते धमकाते थे कि आगे इनकम टैक्स का एक बैरियर लगाकर चेकिंग हो रही है, रैंडमली चेक किया जा रहा है। तो उनके पास जो भी कैश होता था उसको अपने पास एक पेपर में लपेट कर रखते थे और कुछ दूर जाने के बाद उनसे कहते थे कि अभी कोई खतरा नहीं है, आप लोग यहाँ से जा सकते हो, और उस तरीके में दूसरा एक लिफाफा उनको थमा देते थे उसी तरीके का न्यूज़पेपर में लपेटा हुआ, जिसमें पहले और आखिरी नोट असली होता था और बीच के सभी नोट वो नकली और फर्जी होते थे। तो इस तरीके का रैकेट हमने पकड़ा है, जिसके FIR विजयनगर थाने में दर्ज की गई है अंडर सेक्शन 420, 406, 506 IPC। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. Hi, this is Aftab Shivdasani. Keep watching Expose India. Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India. Namaskar, salam, sat sri akal. This is Vivek Oberoi and you're watching Expose India.